हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू आर चैनल गाइस आज हम ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का थर्ड चैप्टर दैट इज आयोनिक क्यूक्लिप स्टार्ट करने वाले हैं ठीक रफली ये चैप्टर चार मार्क का है राइट विथ ऑप्शन सिक्स मार्क का है शायद या सिक्स मार्क का है या करेक्ट ओके okay? तो ये चैप्टर हमें फोकस करना है दैट इज फोर टू सिक्स मार्क के लिए जहाँ पे हम थोड़ा न्यूमेरिकल भी देखेंगे एट द सेम टाइम थियोरी पार्ट भी स्टार्ट करेंगे राइट right? आज की वीडियो में आज के लेक्चर में हम लोग क्या है इलेक्ट्रोलाइट वॉट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और स्पेशली दी द डिफरेंट थियोरीज टू डिफाइन एक्सीडेंट बेस अरेज थियोरी ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियोरी एंड लुइज थियोरी ये एक्जैक्टली क्या है ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ठीक है तो शुरू करते हैं फिर द चैप्टर आई नेट इज ऑफ सिक्स मार्क्स ओके इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं बट गई देखो आपने इलेवन स्टैंड में केमिकल इक्विब्रिया चैप्टर पढ़ा होगा वहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन केमिकल रिएक्शन की आपने देखी होगी ठीक है यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है आयोनिक इक्लिब्रिया यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम कंडीशन ही पढ़नी है क्या है इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम यानी अ स्टेज इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन वेयर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन राइट ओके तो इक्विलिब्रियम कंडीशन ही पढ़नी है बट किस में आयोनिक सोल्यूशन में या फिर आयोनिक इक्वेशन में यानी कोई कंपाउंड डिजोल्व करेंगे सॉल्वेंट में उसका ब्रेकडाउन होकर कैटायन एंड एनायन फॉर्म करेगा ठीक है पार्शियली डिसोसिएट होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन सेम हो जाएंगे ना रिवर्सिबल रिएक्शन उस इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम लोग कहेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम समझ में आ गया ओके तो गाइस यहां पे हमें बेसिकली पढ़ना क्या है इलेक्ट्रोलाइट ठीक है क्या पढ़ना है हमें इलेक्ट्रोलाइट तो समझ लेते हैं पहले इलेक्ट्रोलाइट क्या है क्योंकि उसके टाइप्स भी हमें लर्न करने हैं ओके इलेक्ट्रोलाइट नाउ इलेक्ट्रोलाइट आर दो सब्सटेंस ठीक है इलेक्ट्रोलाइट आर दो सब्सटेंस व्हेन यू डिव इन अ सॉल्वेंट लाइक वाटर दे डिसोसिएट देमसेल्व्स टू फॉर्म कैटायन एंड एनायन ठीक है वो कैटायन एंड एनायन को में फॉर्म कर लेंगे मे बी पार्शियली होगा मे बी हंड्रेड परसेंट डिसोसिएशन होगा कोई भी सब्सटेंस मॉलिक्यूल फॉर्म में हम लोग डिजोल्व कर लेंगे वो डिजोल्व हो जाएगा और उसके बाद उसका ब्रेकडाउन होकर कैटायन एंड एनायन फॉर्म करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि एग्जाम्पल है एनएससीएल एनएससीएल इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ठीक है तो एन को अगर मैं वाटर में प्लेस कर लेता हूं आई विल गेट एन एस इन एंड सी एल माइनस इनके प्लस साइंस इन स्टेट एंड सी एल माइनस साइंस इन स्टेट ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट तो जो भी सब्सटेंस डिजोल्व करेंगे डिजोल्व होने के बाद वो खुद को ब्रेक डाउन करके कैटाइन एनआईन फॉर्म कर लेगा उसके उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट अंडरस्टूड ओके okay? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं डिसोसिएशन बोलते हैं या फिर आयोनाइेशन भी बोलते हैं या फॉर्मेशन ऑफ आय कैटाइन फॉर्म हुआ ना ओके तो दैट इज होनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन अब बच्चों क्वेश्चन ये भी रेज होगा कि यार सारे के सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते होंगे आयोनाइज होते होंगे या फिर कुछ ही मॉलिक्यूल हो रहे हैं कुछ बचे हैं उसी के ऊपर एक्चुअली दो टाइप है इलेक्ट्रोलाइट के एक तो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी क्या ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कि कंप्लीट डिसोसिएट होते हैं ठीक है डिसोसिएट्स कंप्लीटली राइट इलेक्ट्रोलाइट यानी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कि कंप्लीट डिसोसिएशन होंगे यानी हम लोग कुछ कम अंबाउंड डाल देंगे कुछ मोल्स ऐड करेंगे तो सारे के सारे मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएट हो जाएंगे टू फॉर्म्स दैट मच मोल्स ऑफ अ अटाइन एंड एनाइंस तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसके फिर टाइप्स आ जाएंगे अगर एसिड बेस है तो एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ठीक है जैसे कि ले लिया मैंने HCL का तो एच सी होगा टू फॉर्म एच क्ल साइंस एंड सी एल माइनस साइंस तो एच सी एल इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ठीक है सिमिलरली एन एच जितने भी मोल्स ऑफ एनए या फिर जितने भी मॉलिक्यूल्स हम लोग यू कैन से प्लेस कर लेंगे इन टू दी वॉटर तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या बच्चों दट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ठीक है अब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीट डिसोसिएशन तो नहीं बताएगा ये पार्शियली डिसोसिएटेड

एच प्लस मैक्सिमम मॉलिक्यूल विल रिमेन इन द मॉिक्यूल फॉर्म अगर आपको समझाने के लिए अगर एग्जाम्पल रखू समझो मैं हंड्रेड मॉलिक्यूल्स हाँ जस्ट एक रैंडम नंबर ले रहा हूँ मैं मोल्स में नहीं बता रहा हूँ मॉलिक्यूल्स कह रहा हूँ हंड्रेड मॉलिक्यूल्स मैंने ले, ले लिए ऐसे, ऐसे के, वाटर में प्लेस कर दिए डिजोल्व हो जाएंगे अच्छे से इक्वली एक, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे राइट क्लियर सोल्यूशन मुझे मिल जाएगा उसमें से हंड्रेड मॉलिक्यूल में से सिर्फ ट्वेंटी मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए डिसोसिएशन यानी ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड टू होम्स एंड एनस तो ट्वेंटी मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए मुझे ट्वेंटी एसिटेट एंड ट्वेंटी एच प्लस मिल रहे समझ में आ रहा है अब हंड्रेड मॉलिक्यूल थे उसमें से सिर्फ ट्वेंटी ब्रेक डाउन हुए सी तो कंप्लीट हुआ डिसोसिएशन यू नो डिफरेंट हो रहा है डिजोल्यूशन एंड डिसोसिएशन में डिफरेंट है डिजोल्यूशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना इन दैट गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट दैट इज कॉल्ड डिजोल्यूशन ठीक है रिजोल्यूशन यानी क्या जब भी कोई सब्सटेंस में सॉलिड या लिक्विड आप प्लेस करते हो सॉल्वेंट वाटर में तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से डिफ्यूज हो जाता है इनटू द गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर ओनली उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन करेक्ट और क्लियर सोल्यूशन हमें मिलेगा और वो डिजोल्यूशन के बाद वो सब्सटेंस खुद को ब्रेक करेगा नहीं करेगा यानी आयन फॉर्म करेगा नहीं करेगा या फिर कितने परसेंट में करेगा उसी के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है डिजोल्यूशन के बाद कंप्लीट डिसोसिएट होते हैं सारे के सारे मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाएंगे टू फॉर्म कैटाइन एंड एन एन बट वीक इलेक्ट्रोलाइट है पार्शियली डिसोसिएट मतलब डिजोल्यूशन के बाद कुछ मॉलिक्यूल सिर्फ कैटाइन एंड एन एन फॉर्म करेंगे मैक्सिमम मॉलिक्यूल विल रिमेन इन द मोलिकुलर फॉर्म मॉलिक्यूल पता है ना

तो हम लोग उसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि डिजॉल्व पूरे होंगे बट ब्रेक डाउन कुछ परसेंट में करेंगे यू गॉट द पॉइंट ओके दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के टाइप है एसिडिक एसिड फॉर्मूला क्या है सी एच एसिडिक एसिड ठीक है एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो वीक बेस एनएच फोर वो एच अमोनियम हाइड्रोक्साइड ठीक है दैट इज वीक बेस MgOH twice, weak base, magnesium hydroxide. तो ये सारे weak acid and weak bases हैं, right? आपको बच्चों weak acid, strong acid, strong base, weak acid, weak base ये आपको specially molecule याद रखने होंगे, उनके formulas याद रखने होंगे क्योंकि hydrolysis ऐसा एक topic पढ़ेंगे हम लोग, जहाँ पे हम लोगों को salt, hydrolysis of a salt learn करना है actually. तो वहाँ पे हमें उसका help होने वाला है, right? तो ये तो हो गया हमारा introduction part along with the types of electrolyte. आगे बढ़ते हैं फिर इन दिस चैप्टर ओनली जहां पे हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अब हमने पढ़ा ना पिछले टॉपिक पे इलेक्ट्रोलाइट कुछ इलेक्ट्रोलाइट पूरे के पूरे डिसोसिएट होंगे कुछ इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोसिएट होंगे ठीक है तो जो पार्शियली डिसोसिएट होंगे तो वो एग्जैक्ट कितने डिसोसिएशन होंगे तो वो हमें पता चलेगा विद द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी क्या द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस डिसोसिएटेड ठीक है इसका डेफिनेशन है फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएट दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मूल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएट दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आई आई नो दैट डेफिनेशन के ऊपर कुछ नहीं समझा होगा चलो उसको और थोड़े से अच्छे से समझता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिनोटेड बाई अल्फा समझ लो मेरे पास वन मोल एसिडिक एसिड है वन मोल एसिडिक एसिड और उसमें से सिर्फ पॉइंट वन मोल मैंने डिसॉल्व कर लिया उसको सॉल्वेंट में और उसमें से सिर्फ पॉइंट वन मोल यू नो डिसोसिएट हुआ वन मोल में से पूरा डिसॉल्व पुर तो हो गया बट डिसोसिएट कितना हुआ पॉइंट वन मोल बाकी जीरो पॉइंट नाइन मोल एज इट इज मॉलिक्यूलर फॉर्म में है उस सॉल्यूशन में तो अल्फा है इट्स अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएट फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस समझ में आ गया बच्चों

आगे बढ़ते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो हो गया समझ लो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का परसेंट हमें फाइंड करना है दैट इज कॉल्ड परसेंट डिसोसिएशन परसेंट डिसोसिएशन विच इज इक्वल टू परसेंट कैसे निकालता है 100 से मल्टीप्लाई करके तो अल्फा 100 कर लो यू विल बी गेट परसेंट डिसोसिएशन ओके उसको हम लोग परसेंट अल्फा भी बोलते हैं अंडरस्टूड दिस वे ओनली परसेंट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा हंड्रेड ये फॉर्मूला बच्चों हमें याद रखना है ओके परसेंट अल्फा इज इक्वल टू हंड्रेड अल्फा इन हंड्रेड क्लियर हो गया क्लियर हो गया क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसका डेफिनेशन एवरीथिंग अंडरस्टूड चलो आगे बढ़ते हैं फिर अब ये देख लो टॉपिक एसिड एंड बेसिस राइट अब बच्चों एसिड और बेस बहुत बार सुना होगा कि यार एसिड तो सौर होते हैं एसिड यू नो लिटमस पेपर ब्लू को रेड कर लेते हैं एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस एसिड रिएक्ट विध बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर सारे पॉइंट हमने पढ़े हैं टेंथ में बेस बेस आर बीटर इन टेस्ट सोपी टू टच बेस चेंज रेड लिटमस पेपर टू ब्लू राइट बेस आल्सो रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर बेस रिएक्ट विथ मेटल टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बच्चों कोई डेफिनेशन प्रॉपर है नहीं है ना सारे क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट ऑफ एसिड बेस जो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं चैप्टर नेम वाज एसिड बेस एंड सॉल्ट राइट इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या है डेफिनेशन प्रॉपरली ऑफ एसिड एज वेल एज बेस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट थियोरी सो तीन डिफरेंट थियोरीज जो की सारे तीन थियोरी थे इंपॉर्टेंट है सारी की सारी थियोरी एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में पूछी है फॉर मार्क्स ओनली आई होप आप अच्छे से सुन लेंगे अच्छे से समझ लेंगे इसको पहले थियोरी स्टार्ट करते हैं विद द अरेनियस थियोरी ठीक है अरेनियस ऑफ एसिड एंड बेस उस यहां पे हम लोग डिफाइन करेंगे एसिड को भी एज वेल एज बेस को भी चलो अरेनियस थियोरी नाउ एसिड आर द सब्सटेंस ठीक है अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थी एसिड आर द सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन एसिड आर द सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस एच प्लस इन एक्वि सोल्यूशन मैं सिंपली हूं दैट इज एक्स सोल्यूशन ठीक है एसिड क्या है ऐसे सब्स जो जिनके पास हाइड्रोजन है और वो प्रोड्यूस करते हैं एच प्लस साइंस इन एक्विज सोल्यूशन तो एग्जाम्पल कौन से हो गए दिस वन एसिड के समझो कि मेरे पास एच सी एल है एक्विज सोल्यूशन ऑफ एच सी एल तो यहाँ पे एच प्लस साइंस प्रोड्यूस करेंगे

ठीक है दोनों क्या है एग्जाम्पल एसिड क्योंकि दोनों को वाटर में प्लेस कर दो एच प्लासाइंस दे रहा है यहां पे भी एच प्लस दे रहा है एंड ऑलरेडी उसमें हाइड्रोजन आइटम है बट ऑबियस हाइड्रोजन आइटम होगा तभी तो वो एच प्लस प्रोड्यूस करेगा तो ऐसे सब्सटेंस जो इनके पास हाइड्रोजन है उस मॉलिक्यूल में और वो एच प्लस रिलीज करता है इन एक्वियस सोल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एक्वियस सोल्यूशन तो उनको बोलेंगे एसिड अरेनियस एसिड क्लियर हो गया ओके चले जाते हैं फॉर द अरेनियस बेस Now base base are the substance contain OH group. Base are the substance which contain OH group and release OH minus ions in aqueous solution. एग्जाम्पल okay? OH so, group, OH group, OH कौन सा है बच्चों तो एग्जाम्पल ले लेते हैं फर्स्ट इज एन एच गिव एन ए प्लस साइंस एंड ओ एच माइनस आइंस देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है

सो दीज आर अरेनियस थी तो इतना ही आपको डेफिनेशन याद रखनी है और एक एक एग्जाम्पल कोई भी अरेनियस थे एसिड आर द सब्सटेंस कंटेन हाइड्रोजन एंड रिलीज एच प्लस साइंस इन एक्विज सोल्यूशन एक एग्जाम्पल दे दो बेस कंटेन आर दब्स कंटेंट ओ एच ग्रुप एंड रिलीज ओ एच माइनस साइंस इन एक्विज सोल्यूशन दैट इज ऑल अबाउट द अरेनियस थे ऑफ एसिड एंड बेसिस क्लियर हो गया एकदम ईजी है ठीक है आगे बढ़ेंगे फिर द नेक्स्ट वन दैट इज ब्राउन्स्ट लॉरी थियोरी ठीक है ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियोरी नाउ ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियोरी आल्सो नोन टू बी अ प्रोटोनेटेड थियोरी यहाँ पे भी एसिड क्या है बेस क्या है दैट विल सी ठीक है अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियोरी एसिड आर द सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस प्रोटॉन यानी H plus ions ठीक है एसिड आर द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस और विच रिलीज प्रोटोन ठीक है और डोनेट प्रोटोन यू कैन से इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूस हम लोग लिख सकते हैं कि डोनेट प्रोटॉन और H+ प्लस साइंस ठीक है एग्जाम्पल एग्जाम्पल है HCl देखो ये H+ प्लस साइंस एंड सी एल साइंस द मास ऑफ प्रोटॉन इज एक्जैक्टली इक्वल टू द मास ऑफ H+ प्लस साइंस दैट्स व्हाई एच प्लस साइंस इज कंसीडर्ड टू बी प्रोटॉन ओनली बराबर है ओके okay, तो यहाँ पे एच सी एल एंड सी एल माइनस साइंस प्रोटॉन अगर आप बेस ले लो बेस इज अ सब्सटेंस यहां पे एग्जांपल hcl के बाद बाद में लेता हूँ पूरा एक-एक एक्चुअली प्रॉपर एग्जांपल ले लूंगा भाई कंसीडरिंग बोथ द थिंग्स एसिड एज वेल एज बेस बेस दीस आर द सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट प्रोटॉन ठीक है बेस क्या करेगा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा

बराबर अब यहां पे बच्चों मैं जो ये एसिड है ये एच सी एल इज एसिड ये अमोनिया ये बेस कैसे वो बता देता हूं एसिड बेस ये अगेन एसिड और ये बेस ये एसिड वन ये बेस टू ये एसिड टू ये बेस वन इस तरह से मैं प्लेस करूंगा अब देखो एच सी एल एच सी एल डोनेट करेगा प्रोटोन यानी एच प्लस तो एच सी एल क्या हो गया एसिड

और ये वाला. Okay. ये वाला, ओके, दोनों एक एसिड बेस पेयर है देखो एच जब एच जब एचुअल साइंस डोनेट करेगा उसका रेसिड पार्ट क्या आ जाएगा माइनस साइंस तो एच सी एल अलॉन्ग विज एस एल इज एसिड तो उसका रेसिड पार्ट यानी जो बचेगा प्रोटोन तो वो बेस कहलाएगा ओके okay. तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्चुगेट एसिड बेस पेयर क्या कहेंगे कॉन्चुगेट एसिड बेस पैर सेम वे हियर ऑल्सो अमोनिया एक्सेप्ट करेगा प्रोटोन बराबर है उसका रेस पार्ट क्या है जब एक एच प्लस एनएच थ्री है उसमें एक H आ जाएगा तो एन एच फोर और उसको मिल जाएगा प्लस वन चार्ज अब ये जो बेस है तो जो एन एच फोर प्लस साइंस उसकी एबिलिटी है कि वो एच प्लस साइंस डोनेट करे तो डोनेट करेगा तो वो एसिड तो बेस टू एसिड टू ये भी हो जाएगा हमारे लिए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर अंडरस्टूड सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुकेट एसिड बेस पेयर वेन यू मिक्स एसिड एंड बेस ब्रॉन्सड लॉरी एसिडेंट बेस टू फॉर्म्स सर्टन कंपोनेंट विच ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू सर्व एज एसिडेंट बेसिस सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रॉन्सर्ड लॉरी थियरी ठीक है ब्रॉन्सड लॉरी थियरी एसिड डोनेट्स प्रोटोन बेस एक्सेप्ट प्रोटोन एग्जाम्पल यही ले लेना एच सी एल प्लस एमोनिया गिवस एन एच फोर सी एल एच सी एल एसिड वन अमोनिया बेस टू एन एच फोर प्लस एसिड टू Cl माइनस साइंस बेस वन तो एच सी एल एंड सी एल माइनस एसिड वन बेस वन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर एंड अमोनिया बेस टू एन एज फोर प्लस एसिड टू दैट इज अगेन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्लियर हो गया बहुत ही ईजी है ओके नाउ द लास्ट थियरी की तरफ चलता है एक्स लुइस थियोरी अगेन सी The एसिड एज वेल एज बेस अकॉर्डिंग टू द लुइस थियरी ठीक है अकॉर्डिंग टू द लुइस थियरी एसिड आर द ठीक है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर सिंपली यहां पे लिख लेते हैं एसिड आर दब एक्सेप्ट ठीक है क्या है? ऐसे जो कि करते हैं, अंडरस्टूड एसिड आर सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट शेयर इन एन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर इन एन इलेक्ट्रॉन पेयर ठीक है accept share electron pair. Share electron pair. तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट चलो लिख लेते हैं शेयर इलेक्ट्रॉन पेर दीज आर एसिड एग्जाम्पल कौन सा है तो एग्जाम्पल है बच्चो आप एग्जाम्पल uh, ले सकते हो दैट इज एल सी एल थ्री बी एफ थ्री ये कुछ एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बोरॉन ट्राइक्लोराइड दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ अरेनियस एसिड लुइस एसिड आईम सॉरी बेस देखो बेस आर द सब्सटेंस विच डोनेट शेयर डोनेट अ शेयर इन एन इलेक्ट्रॉन पेयर सिंपली एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे और बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे बेस क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे ये उसी तरह का है जैसे कि किस थेरी जिसपे आयोनिक सब्सटेंस बट यहाँ पे कंपलसरी एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और दूसरा एक्सेप्ट करेगा वहीं पर एक दूसरा न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाता है जहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं हम लोग अगर मैं एग्जाम्पल ले लू एग्जाम्पल चलो आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल दैट इज अमोनिया मैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एन एच थ्री बराबर है इट इज़ रिएक्टिंग विद बी एफ थ्री एच थ्री का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है एनएस का रिएक्शन हो रहा है बी एफ थ्री के साथ अब बच्चों यहां पे देख लो अमोनिया लोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी क्या ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में यूज नहीं हुए तो वो इलेक्ट्रॉन ये बोरॉन को वो डोनेट कर लेगा इसके वजह से फिर ये बेस ये हमारे लिए हो गया क्या बेस और बी एफ थ्री हमारे लिए हो गया क्या एसिड ठीक है राइट अब यहां पे एक सब्सटेंस या फिर कंपाउंड फॉर्म होगा दैट इज अब आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे ठीक है है के बीच में bond form हो गया वो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे को ऑर्डिनेट बॉन्ड ठीक है आपने इलेवन स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आयोनिक बॉन्ड आपने पढ़ा होगा कोवेलेंट बॉन्ड आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पढ़ी है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ये चौथे टाइप का बॉन्ड आपको लर्न करना है प्रेजेंट इन सम ऑफ द मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बच्चों पेपर मोलिक्यूल में हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर भी पढ़ना है ठीक है विच बेसिकली कंटेन दिस टाइप ऑफ अ बॉन्ड जहां पे एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करता है दूसरा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट करता है तो गाइज ये तीन थियरीज हो गए हमारे एसिड की अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थियरी एसिड आर द सब्सटेंस विच

दैट इज अरेनियज थे ब्रॉन्स्ट लॉरी थेरी एंड दिस वन लुइज थेरी तीनों थेरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दो माह के लिए पूछेंगे जरूर बोर्ड एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर कर लेना गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर नहीं किया होगा तो ठीक है नेक्स्ट वीडियो में मिलता है बाय एंड टेक केयर